मास्क के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बरेली कोतवाली क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में मास्क नहीं लगाने के विवाद में और ग्राहक सिक्योरिटी गार्ड के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक पर गोली चला दी। इस घटना में ग्राहक के पैर में गोली लगी है। घटना की जानकारी होते ही बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। एसएसपी, आईजी, एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर बैंक के सभी अधिकारियों और स्टाफ के साथ बातचीत की। जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रेलवे कर्मी राजेश बैंक में किसी काम से बिना मास्क लगाए पहुंचता है। सिक्योरिटी गार्ड केशव प्रसाद ने मास्क नहीं लगाने पर एतराज किया, इस बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी तरह गोली चल गई। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड गोली जानबूझ कर चलाने से इनकार कर रहा है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेज दिया, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है। बरेली एसएसपी का कहना है, बैंक का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है जिसके पास लाइसेंसी बंदूक है, जिससे उसने गोली चला दी। जो घायल व्यक्ति है उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको हिरासत में ले लिया गया। सभी तत्वों की इसमें जांच की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उन सब से पूछताछ की जा रही है। बरेली से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए अमन अहमद की रिपोर्ट। गलत बात है यार, तुम इतनी वो नहीं, तुम गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें। कोई बात नहीं, जेल जाएंगे ना। हेलो।